तो दोस्तों हमारा दूसरा स्टॉप है छाव महल पैलेस। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये प्लेस जो है हैदराबाद का जो चार मीनार है वहाँ से बस 5-10 मिनट पैदल लगते हैं वहाँ से आने के लिए। गूगल मैप पर देखा और वहाँ पर आज खुला भी है, फ्राइडे को ऐसे ऑफ रहता है। तो यहाँ पर आया हूँ, 60 रुपीज़ एंट्री फीस लगा है और कैमरा का भी यहाँ पर चार्ज लग रहा है 60 रुपीज़। ये देखिए आप, छाव महल पैलेस परमिट है कैमरा का। तो चलिए अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं महल कैसा है। और ये पीछे देखिए ये गार्डन, और अंदर अभी तो जाना बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गेट पर गेट महल का। और ये देखिए एक ड्रेसिंग रूम है, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए फोटो शूट वगैरह का लोग कर रहे हैं। 100 रुपया साइज चार्ज है यहाँ का वो ड्रेस ट्राई करने का, अच्छा है। ये देखिए वाटरफॉल, बहुत ही अच्छा लोकेशन से डिज़ाइन किया गया है। और ये रहा छाव महल पैलेस का पहला, अभी सनलाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, पास से दिखेगा। और इधर का देखते हैं हम लोग आउटर इंटरफेस। ये देखिए तालाब की तरह बनाया गया है बीच में, वाकई महल की तरह तो लग तो रहा है। ये देखिए चारों तरफ से दीवार। दोस्तों ये रहा हम लोग का पैलेस, ये देखो आप, बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों हम लोग अंदर आ गए हैं और ये देखिए राजा का दरबार, पूरा उसको क्या बोलते हैं यार, झांवर या कुछ ऐसे है ना, याद नहीं आ रहा अभी। ये देखो आप, जबरदस्त लाइटिंग वगैरह सब लगे हुए हैं। रिवर्स करता हूँ मैं कैमरा को, एम्बुलेंस। ये देखो आप, ये है राजा का दरबार, यहाँ पर वो बैठते हैं और इधर सभा लगती है। ये लाइटिंग वाइटिंग वगैरह रियल में, अभी तक तो फेक में थे हम लोग। ये देखो आप ऊपर का भी, अंदर नहीं जा सकते हैं, यहीं से कैमरा अलाउ है। थोड़ा पास से देख लेते हैं हम लोग। ये देखो आप, ये रहा व्यू, वाओ गजब महल है यार। पहली बार आ रहा हूँ मैं महल में ऐसे। ये देखो गद्दा, उस जमाने में ये टाइल्स वगैरह लगा होगा तो समझ जाओ आप कितने करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। ये देखो ऊपर से लंबी लंबी रस्सी। अभी तो अंदर बहुत कुछ देखना बाकी है। ये देखो आप लोग पीछे का व्यू, हाँ बहुत ही अच्छा है यार माल। एक बात तो कंफर्म हो गई, अगर आप टूर करने आ रहे हो इस हैदराबाद एरिया में तो एक जगह के लिए एक दिन आप कंफर्म कर लो, बहुत टाइम लगता है भाई। और अभी देखो घुसा हुआ हूँ बहुत लंबा पहले से, अभी तो एक हिस्सा भी नहीं कर पाया हूँ, बहुत टाइम लगेगा। चलो आगे आगे देखते हैं क्या क्या है। म्यूजियम जरूर देख सकते हैं आप, बड़े बड़े चम्मच बॉक्स ग्लास। राजा महाराजा के इलाके में आ गए हम लोग। केट्स, छोटी छोटी केटली भी,
ये किस लिए यूज में बनाया हुआ भाई इतना छोटा? ये तो समझ में आता है। ये तो, और यहाँ से एक व्यू महल का, ये जबरदस्त लोकेशन है। ये देखो वीडियो आप, यहाँ से कुछ अलग ही सीन है। ये देखो भाई क्लास आप, ऐसा ऐसा टेबल्स चेयर्स तो हैं, अभी हमने देखे नहीं है। ये देखो सोफे, देखो सोफा गजब स्टाइलिश भोजन का, भाई राजा महाराजा का स्टाइल तो पता चलता है। ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इस मॉडल का होगा। और ये तलवार, पूरा तलवार से दीवार भरा है भाई, दीवार चाकू से, वाह। ये देखो आप कंस से नाम भी लिखे हुए हैं। ये देखो छोटे छोटे पिस्ता, वही रिवॉल्वर कंसे रखे हुए हैं। ये देखो महल आप बैकग्राउंड से, ये बैक साइड का सीन है इधर। ये देखो पीछे से भी वैसे ही जैसे कि आगे की, और ये इधर पीछे ग्राउंड वगैरह सब। महल तो आगे से लग रहा है या पीछे से कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो आप भाई गजब जबरदस्त महल है भाई, मेरा तो पहला विजिट है महल का। आप लोग बताओ गए हो कि नहीं कहीं। ये रहा, ये देखो आप फुल व्यू ऑफ महल, ये बैक साइड का है, लग रहा है कि आगे का ये भी है सीन। चलिए और अंदर देखते हैं क्या है। तैनियात महल, अफजल महल, मेहताब महल, बागी खान, वेंटेज कार। चलिए कार भी अंदर देखने को मिलेगी, बाकी बहुत बड़ी महल है यार। मैंने सोचा कि वही पहले फर्स्ट वाला ही होगा, लेकिन अंदर भी है वैसा ही सीन। देखो आप इतनी बड़ी है, यहाँ पर तो फोटो शूट करते करते हाथ खराब हो जाएगी, इतने सारे सीन हैं, इसीलिए तो कैमरा चार्जेस भी लिए हैं। ये है बैक साइड मॉल का, इधर भी बड़ा गेट है। चलिए अंदर देखते हैं इस मॉल में क्या है। का तो नजरिया ही कुछ अलग है, फ्रेश फील हो रहा है। ये देखो सिनेमैटिक लुक, तालाब और पीछे बैकग्राउंड महल। चलिए भैया वेंटेज कार के पास थे बग्गी खान, इसके अंदर चलते हैं। बहुत यार अंदर जाना है, बहुत बड़ा महल है, कितना देखेगा। ये देखो वेंटेज कार के पास हम लोग पहुंच गए आखिरकार। इधर का ये गार्डन आप लोग जरूर विजिट करने आना यार, बहुत ज़बरदस्त कार। अभी कार की तो लाइन लगी है, चलो कितने कार देखोगे आप, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो आप कार्स, फॉरेन वाले सब कार है, पिक्चरों में देखा करते थे, आज रियल में देख रहे हैं।
ब्रांड न्यू पूरा, नाम भी लिख रखा है, नोटिस नहीं किया मैंने। ये बहुत पुरानी गाड़ी है, इस रिफ्लेक्शन की वजह से सही नहीं आ पा रहा है। ये देखो आप, तो एम्बेसडर है, लक्स, ये सही है, ये लाइट नहीं है, पुरानी मॉडल की है। देखो ये देखो, बहुत लंबी वाली बिना सेडेड। रियल में पैलेस देखने का मजा आया अभी तो। कार्स वॉल्सली पर था, पूरे बच्ची है पीछे। बाइक देखते हैं, ये देखो सोले वाली बाइक आ गई, सोले वाली डबल सीट। और इधर देखो बग्गी, यहाँ पर बग्गी रखी है, छोटी गाड़ी भी है। ये जीप हो गई, बहुत ही पुराने जमाने की, कब तो नहीं कब कब की गाड़ियाँ हैं। ये देखो बग्गी कार्टिलेज, देखते ही थे हम लोग, रियल में देख लिया। सच्ची में घूमने से कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ये है फिर इधर का गार्डन, कितने फोटो लोगे भाई, थक जाओगे फोटो लेते लेते। ड्रेस यहाँ पर है, स्टैचू, साड़ी वगैरह, घूमने लायक वाकई अच्छा जगह है। तो दोस्तों हमने छाव माल को देख लिया, लगभग 2-3 घंटे समय लग गए यहाँ पर, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है, तो अभी ये वीडियो भी लंबा हो चुका है। अच्छा तो वीडियो आपको कैसा लगा ये महल के बारे में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं फिर अगले स्टॉप पर।